ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, ये है एबीपी न्यूज, आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें मेरे यानी श्वेता शर्मा के साथ। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू होंगे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में आज ये फैसला हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने वेंकैया नायडू के नाम का स्वागत किया। कल सुबह 11 बजे वे नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। संसद भवन में बने वोटिंग बूथ में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट देने पहुंचे। चुनाव के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। एनडीए के रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस की मदद से लश्करे तैयबा के एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई एयरपोर्ट से पकड़े गए आतंकी का नाम सलीम खान है और ये यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। सलीम ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंक की ट्रेनिंग ली है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि पीएम के किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें गुलदस्ता देने की जगह एक किताब या फिर फूल के साथ एक खादी का रुमाल भेंट के रूप में दिया जाए। भारतीय बाजार लगातार पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है और नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। शेयर बाजार के इतिहास में निफ्टी पहली बार 9,900 के ऊपर और बैंक निफ्टी पहली बार 24,000 के पार जाकर बंद हो पाया। आज निफ्टी रिकॉर्ड 9,928.2 के नए ऊपरी स्तर पर चला गया और सेंसेक्स ने भी आज 32,131.92 का नया उच्चतम स्तर छू लिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।